नमस्कार, राजधावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पहाड़ों में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी और कारगिल में 21 जुलाई की देर रात बादल फटने की घटना सामने आई। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया और कई गाड़ियां दब गई। वहीं स्कूलों में भी मलबा जमा हो गया। बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तराकाशी, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। SDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात की गई है। उधर राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में भारी बारिश हुई। जोधपुर की एक गली में पानी के तेज बहाव में बाइक स्कूटी सवार बह गया। यह 2 घंटे में 76.8 मिलीमीटर बारिश हुई। महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नगिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रायगढ़ के ईशालवाड़ी में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। 86 लोग लापता है। दिल्ली में एक बार फिर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हिमाचल में भी 22 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा के 15 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।